जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको राशिफल की जानकारी देंगे, साथ में बताएंगे आपको लकी टिप, और आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें जिससे कि आपके घर में सभी सुख सुविधाओं की होती रहे बढ़ोतरी और आपका घर हो खुशहाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 10 मई 2019 दिन शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र है, षष्ठी शुक्ल पक्ष। योग की बात करेंगे, शुक्ल योग है, चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में रहने वाला है। राहु काल का समय रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। बात करते हैं आपकी राशियों की। मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए आज क्या संकेत निकल कर आया है भाई। आज से व्यवसाय में निरंतर आपके प्रगति होती दिखाई दे रही है, उसकी ओर आप अग्रसर भी रहने वाले हैं। दोस्तों का साथ अधिक समय व्यतीत हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों से मिलनसारता बनी रहे तो जीवन होता है खुशहाल। गुलाबी रंग और 11 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं वृषभ राशि की। अपनी काबिलियत व क्षमता से भरपूर आपको उपयोग मिलने का योग बना हुआ है। अच्छा स्रोत, अध्ययन, अनुसंधान, इसके लिए भी आपके लिए समय अनुकूल है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके पास। शुभ रंग की बात कर लेते हैं क्रीम, और 7 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आपको खान पीन की अति उत्सुकता, थोड़ी इसके लिए प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने पीने के लिए उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए तो पेट गड़बड़ भी हो सकता है। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं इसलिए खाने का ध्यान रखना होगा। तोतिया रंग और 75 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अध्ययन में मन लगाएंगे। अच्छा माता पिता का स्नेह भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, वो है आपके लिए लाल, और 6 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में प्रेम भाव बना रहेगा, मित्रों से कुछ विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है आपकी, मगर कोई बात नहीं, संध्या काल तक सब मामला सुलट जाएगा। लाल रंग और 24 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज युवा वर्ग के कैरियर को ज्यादा महत्व देने वाले हैं, अपने कैरियर को लेकर चिंता हो सकती है, थोड़ा महत्व भी देना चाहिए। नौकरी में स्थानांतरण का योग भी आपका बना हुआ है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हरा, और 8 नंबर है आपका लकी। चलिए बात करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है पंडित जी। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाह रही थी ना जी। उसके डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1994। 15 नवंबर 1994। समय और स्थान बताएं। समय है 1:10 रात्रि। हाँ रात्रि। और क्या नाम है इसका? अविनाश। अच्छा ये 14 की रात को हुआ ना, 15 की रात को, तो 16 तारीख हो गई ना, 16 AM हो गया, 16 तारीख देखा करो। अच्छा 16 तारीख हो गया, हम 15 ही मनाते पंडित जी। नहीं, जब AM हो जाता है तो इसकी तारीख बदल गई, तो समझ लीजिए आप इसकी 15 के बजाय 16 तारीख मानो। यहाँ पे AM आपने बताया ना, सुबह सुबह का जन्म है, यानी कि 12:00 के बाद के मिनट का जो जन्म हो गया वो अगली तारीख लग गई। अगर तारीख के हिसाब से मनाएंगे बर्थडे, तिथि के हिसाब से और बात है, कुछ लोग तिथि से मनाते हैं मगर आजकल तारीख से ही मनाते हैं लोग, तो 16 तारीख हुई इसकी। क्या जानकारी चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मैं इसके करियर के बारे में पूछना चाह रही थी। इसकी करियर के इसके बारे में क्या करते हैं अभी? तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी कराइए, और अच्छे से तैयारी कराइए। यहाँ पर कुंडली देखते हैं तो इनकी सिंह लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी की बात करेंगे तो वो पराक्रम भाव में अवश्य बैठे हैं मगर राहु से पीड़ित हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी महादशा की, तो शुक्र की महादशा चल रही है, वो चलने वाली है 13/6/2020 तक। करना क्या है आपने, सरल उपाय आपको बता देते हैं।
कोई छोटी कन्या हो उसको दें पोशाक, माता रानी के मंदिर में लगवा दो एक घंटा, यथाशक्ति बड़ा और छोटा लगवा दो, शुक्रवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष, आज भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है, छोटा घंटा लो माता रानी के मंदिर में, एक चुनरी में बांध के लगवा दो। 2.5 किलो बतासे कन्याओं को वितरण करो प्रसाद के स्वरूप में शुक्रवार के दिन, जीवन में उपलब्धियां अवश्य मिलेंगी, कम से कम 7 शुक्रवार कर देना। जय श्री कृष्ण। शशि जी अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम गुरु जी। कल्याण जी आपका। जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका नाम कृष्ण कुमार है जी। डिटेल बताइए। डिटेल नहीं है जी कुछ भी। क्या जानकारी चाहती हैं जी? उनका 13 को मतलब वो विदेश का आर्मी से नंबर का आता है जो 6 महीने के लिए, उसमें नाम आया है जी। अभी 15 को फाइनल उनका या 13 को वो है जी टेस्ट, तो उनका कैसा जाएगा और क्या उपाय करूं जो अच्छा जाए? बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात पूछी आपने, इच्छा जाहिर करी है पति की उपलब्धि के लिए, यहाँ पर आपको उपाय अवश्य बताए थे। देखिए आज शुक्रवार का दिन है, तिल तेल उड़द सवाया खरीद लो, 125 ग्राम, और एक काली छतरी और एक सोटी और एक जूती काले रंग की, किसी गरीब को या जरूरतमंद को कल दे देना, आज घर में ला के रखो। सबसे पहला उपाय तो ये कर दो, और दूसरा उपाय कर देना, सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में एक चंदन और एक पत्थर घिसने का वो ले जाकर दे दो, बस ये सरल उपाय है, इससे उपलब्धियां मिलेंगी और जीवन भी सफल होगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया कुमार जी सुन पा रहे हैं मैं आप? कन्हैया कुमार जी हमारी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कन्हैया कुमार जी नाराज हो गए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। बताएं बताएं। महाराज जी हमारी समस्या ये थी कि जो मेरी लड़की के लिए रिश्ता आया है जी, हाँ वो रिश्ता एक मिकेश नाम का लड़का है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/89 और टाइमिंग है मॉर्निंग 10:45। कहाँ का जन्म है इनका? उनका धुलिया, महाराष्ट्र का धुलिया। और लड़की की डेट ऑफ बर्थ बताइए? लड़की का ये है कि 19 जनवरी 1997। टाइम और बताएं लड़की का? हाँ 11:45 मॉर्निंग नंदुरबार महाराष्ट्र। अब आपको बताए थे, एक बार हम दोहरा देते हैं, 8 मई 1989 10:45 AM 19 जनवरी 1997 11:45 AM यही है। आप लाइन पे हैं? बने हैं? लगता है आपकी लाइन संपर्क टूट गए। अब यहाँ पर आपकी रिश्ता है अभी, इसलिए हम आपको कुंडली भी बता देते हैं विस्तार रूप से क्या है यहाँ पर, जो आपने डिटेल हमें दी है उसके आधार पर यहाँ पर लड़की मंगली नहीं है, लड़का मंगली है। आपको बता दें लड़की के जो मंगल हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लड़का मंगली है। हालांकि गुण बिल्कुल मिलते हैं, भरपूर तो नहीं मिलते, गुण पूरे मिलते हैं, 27 गुण के आसपास मिलते हैं, 26.5 गुण हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है जो अच्छे हैं काफी, मगर लड़का मंगली है, इसलिए इसके विवाह में थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि मंगल की स्थिति जहाँ है वो थोड़ा सा शुभ नहीं है, इसलिए आपको विवाह में रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्योर मंगली ही लड़का लें, और प्योर लड़का अगर मंगली है तो लड़की भी मंगली होनी चाहिए, तो इसलिए इस बात में थोड़ा संदेह है। अभी लेते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आज का महा उपाय अभी बाकी है। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड़का। बात करते हैं आपके बर्थडे विश की। अगर आपका या आपके परिवार में आज के दिन जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन ऐसा क्या करें, गरीबों को दान देना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है आपके दिन। कहा जाता है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के कपड़े और मिठाई का भी दान देना चाहिए। जैसे दूध चीनी आदि का दान दें, आपकी वर्ष कुंडली बलवान होगी। बात करते हैं बाकी आपकी राशियों की। तुला राशि से प्रारंभ करते हैं। आपके पिता
से कुछ आपका मनमुटाव की आशंका बनी हुई, कभी कभी नाराजगी होती भी है। काम और आय, अच्छा आय अगर कम होना तो फिर व्यय करने में दिक्कत होती है, और व्यय की अधिकता आपकी बढ़ जाएगी तो आप होंगे परेशान। चमकीला रंग आपका शुभ है और 67 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। आपको परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा या योजना बनाने का अवसर मिल सकता है, परिवार के लोगों से संपर्क बनने वाला है आपके। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल और 18 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं धनु राशि। गुरु की राशि है, धनु राशि वालों के लिए आपके स्वयं के प्रयासों से सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। अच्छा कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला और 33 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज मित्रों से आपको प्रेम प्राप्त होगा, व्यवसाय में नई रणनीति अपनाएंगे, वाहन के चलते और चलाते आपको ध्यान देना होगा, सावधानी बरतें थोड़ी सी। नीला रंग और 7 नंबर है आपका लकी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास व परिश्रम से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। अच्छा ईश्वर के प्रति आपकी ध्यान और भक्ति और बढ़ने वाली है। बैंगनी रंग और 26 नंबर है आपका लकी। आज की अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। आपके रुके हुए कार्य में गति आ सकती है। अच्छा रिश्तेदार व मित्रों से कोई विशेष सहायता आपको प्राप्त भी होगी। हल्का पीला रंग और 14 नंबर है आपका लकी। अभी लेते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद अभी महा उपाय बाकी है। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आपके आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं शुक्रवार को, अच्छा गाय के दूध से अभिषेक करना हो श्री यंत्र को तो समझ लीजिए आपके बहुत सारे मनोरथ होते हैं पूर्ण। अच्छा इसके बाद जल को छिड़क दो पूरे घर में, इससे माँ लक्ष्मी का होता है वास और धन का होता है आपके अंदर आगमन, आपके परिवार में सबकी खुशहाली होती है। क्या कहता है लकी टिप? आपके पास गाड़ी नहीं है तो श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन जाप किया करो, इससे वाहन प्राप्ति का बनेगा आपका योग। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महा उपाय गुड लक टिप के साथ। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।